अस्सलामुअलैकुम 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 जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ये वीडियो जो स्टार्ट करने लगा हूँ अभी, और इसके बाद मुख्तलिफ कट्स भी लगेंगे और बातें भी शेयर करूँगा। इसका मकसद है आज के सफ़र जो हम करेंगे, मिल के करेंगे। मैं देखूँगा चीज़ें जो मुझे नज़र आएंगी, दिखाने वाली आपको होंगी, वो आपको दिखाऊँगा भी सही। इस वक्त टाइम हुआ है 8:20, तारीख है 18 अगस्त, और हम ये सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं थोड़ी देर में। अभी थोड़ी देर में ट्रेन पहुंचेगी। मैं इस वक्त हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा स्टेशन कहा जाता है इसको, और हेड क्वार्टर कहा जाता है इसको पाकिस्तान का। प्लेटफार्म नंबर 2 पर मैं मौजूद हूँ, और उसके अपोजिट में प्लेटफार्म नंबर, तो थोड़ी देर में यहाँ पे बस पहुँचेगी ग्रीन लाइन, बस पहुँचेगी, कह रहा हूँ ट्रेन पहुँचेगी। ग्रीन लाइन का हमने इंतखाब किया है, वो जैसे ही आएगी उसके बाद ही अभी मेरे कुछ फैलो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तमाम के तमाम लोग। हम लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। 8:35 उसका टाइम है यहाँ से निकलने का, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। 8:15 बताया था, लेकिन अभी 8:22 हो गए, अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन 8:35 को उसने निकलना है अकॉर्डिंग टू टिकट। बाकी अल्लाह ताला खैर करेंगे। ये जितनी भी ट्रेन हैं उनमें सबसे अच्छी ट्रेन कही जाती है। बाकी सफ़र करने के बाद आपको बताऊंगा। मैं बाई एयर ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल करूँ और आपको आगाह भी करूँ। रास्ते रहे सारे ठीक है जी। अभी आपको आती है ट्रेन तो इंशाल्लाह वो जैसे ही पहुँचेगी उस वक्त भी मैं विजुअल दिखाऊंगा, और बाकी चीज़ें भी साथ शेयर करते जाएंगे। हमारे साथ रहिए मेरे साथ रहिए, ताकि मैं आपको सारा सफ़र करवा सकूँ अपने साथ। मैंने टिकट लिया 7600 रुपये का, बिजनेस मेरी वो है सीट है। बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। अभी ये थोड़ी देर में ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। वेटिंग 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 8:45 हो गए, 8:35 पे इस सबसे बेस्ट ट्रेन की रवानगी थी, उसी ना देख लें मुझे। ये वो आया जो मैंने आपको आते हुए दिखाई थी, ये अभी तक यहीं पे मौजूद ग्रीन लाइन ये है जनाब। एक से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब हमारा जो डब्बा लगेगा वो अभी इधर आएगा। वो एक से ट्रेन स्टार्ट हुई थी पिंडी से, एक के बाद 2 के बाद 10 के बाद 11, और इधर आएगी कहीं 9, 8, 7 पता नहीं क्या कुछ आना है। तो तरतीब खुद ही समझ जाए आप, पाकिस्तान रेलवे आपको कुछ नहीं समझाएगा, वो सिर्फ आपसे किराया लेगा। और ये सारे खड़े हुए हैं जो बैठे हुए थे बेचारे, उनको भी उल्टा तड़वा दिया, हम भी वहाँ पे बस पंखे के नीचे बैठे हुए थे। अब हमारी एक्सटेंशन आगे लगनी है, एक्सटेंशन हमारी आगे लगनी है रेलवे की, पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान जिंदाबाद। वेट करें मेरे साथ, मैंने कहा वेट कर रहा हूँ, चलो आपको साथ साथ अगा रखूँ, मेरी ड्यूटी भी तो है ना आपको कराची तक लेके जाना। मेरे लाहौर में 8:35 ट्रेन का टाइम था, ग्रीन लाइन पाकिस्तान रेलवे की बेस्ट ट्रेन, कोई बात नहीं आगे हो सकता अच्छा हो, ना उम्मीद नहीं होना, दिल बुरा नहीं करना। ये देखे दो डब्बे लेके भाग गई है, वो इंजन जो आया था एक्सटेंशन लगा के दो डब्बे लेके भाग गए। अब वो पीछे वाले भी परेशान, आगे वाले भी परेशान, कुछ लोग इसके वजह से भागे गए थे ग्रीन टाइम, आके निकल भी रही है तो साड़ी बारी नहीं आई, तो ये अब आधी ट्रेन वो पीछे रखी हुई है, दो डब्बे 1 और 2 वो लेके चला गया। अभी उनको कहीं खड़ा करके आएगा इंजन, फिर वो दूसरी बोगियाँ लगेंगी जिसके अंदर हमारी भी चश्मे बदूर बोगी शामिल है।
तो फिर ये आएगा वापस और फिर हम रखते सफर होएंगे, रखते सफर। पसीना है, कोई बात नहीं, हो जाता है। इंतज़ार बाकी है, ख़त्म होने वाला शायद। तो अभी टाइम मैं नहीं देख सकता क्योंकि वीडियो मोड पे लगा हुआ है इस वक्त, लेकिन वो एक्सटेंशन आ गई है यहाँ पे आगे, यहाँ पे इन दो जगह पे, यहाँ पे इस एक्स के आगे, इस एक्स का मतलब है ख़त्म हो चुका, लेकिन नहीं, इसके बाद जब एक्सटेंशन लगेगी तो ये दोबारा शुरू हो जाएगी। ये जो लाइट हैवी है, भरकम भावी है, भावरी भरकम लाइट आपको नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान रेलवे के वो डब्बे हैं जो इसने ऐड होने, इसको एक्सटेंशन मिल जाएगी और इसके बाद हमारा डब्बा इसमें से निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो कोई और काम हो गया। ये तो सिर्फ इंजन है, ये तो सिर्फ इंजन। हमारी ट्रेन किधर, ये इंजन है तो हमारी बोगी किधर, ये इंजन है जनाब, ये एक्सटेंशन करवा रहे हैं, ये इससे सिग्नल दे रहे हैं, ये लाइट आपको ये अभी जलेगी, ये सिग्नल दे रहे हैं, अब इसको रोक लिया इन्होंने, ये इधर अभी एक्सटेंशन होगी, ये देखें ये सिग्नल दे रहे हैं ड्राइवर को, आओ 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 आओ, ये आएगा, ये झटका लगेगा, एक्सटेंशन होगी तो झटका लगेगा, ये एक्सटेंशन हो गए, इंजन लग गया, साड़ी बोगी कितने जे, अब ये शायद इधर से घसीट के जाएगा, आगे चला जाएगा, फिर आगे जाके वो एक्सटेंशन लेगा, एक्सटेंशन लेने के बाद फिर वापस आएगी हमारी बोगी और फिर साड़ी बारी आएगी, पसीनों पसीन आने से हो गया। लेकिन ये है पाकिस्तान रेलवे, आपने घबराना नहीं है, हमारे साथ रहिए, अभी जो हम सफ़र शुरू नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई, टेंशन इंजन अभी बात आगे चलेगी, टेंशन नहीं लेनी है। ये हमारी 9 नंबर है, ये पहुंच गई है, 9 नंबर है, ये हमारी बिजनेस क्लास चाक वाला 9 नंबर, आपने बस ये जहन में रखना कि चाक वाला नंबर क्या लगा हुआ है, ये हमारी 9 नंबर है जनाब, अभी आ गई है हमारी असल एक्सटेंशन, अभी इसके अंदर हम सवार होंगे और इसमें तो लाइट ही नहीं है। ये है हमारा बोगी और ये 8 नंबर है और ये अभी हम लाहौर में हैं, ये हमारी बोगी है और ये मैं हूँ और अब हम एंटर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर घबरा जाना थोड़ा सा क्योंकि लाइट नहीं है, अंदर लाइट नहीं है जनाब, हम ट्रेन में आ गए हैं, मसला कोई नहीं, बस लाइट अभी आ जाती है, आपने परेशान नहीं होना, ट्रेन में बैठ गए हैं, ये देखें ट्रेन आ गई, आगे झटका लगेगा, इसका मतलब ये अभी अटैच नहीं होगा, डी 8:35 पर चलने वाली ट्रेन 9:46 पर रवाना हो चुकी है। यहाँ पर लाहौर हम छोड़ के जा रहे हैं, अब हम यहाँ से सफ़र अपना आगाज़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा पहुंचे हैं, नवाब शाह हैदराबाद भी नहीं पहुंचे हैं।
वक्त तो है 11:07, 11:07 हमारा सफ़र जारी है ग्रीनलैंड ग्रीन लाइन का। ये पहला शायद टाइम होगा जिसमें मैं नोट किया कि इसने स्पीड पकड़ी है। जब इसने स्पीड पकड़ी तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि हम तो वेट कर रहे थे, हम तो ग्रीन लाइन जो कि टॉप की रेलवे है उस पर सफ़र कर रहे हैं। मिक्स की बात हुई लेकिन सेपरेट दे के चला गया। अब सेपरेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर पत्ती डलती है, वो वाली टी बैग, ठीक है। आप रात को मिक्स की बात हुई है टी बैग देंगे आप, प्लीज मिक्स ही दीजिएगा। एक सेकंड चाय पीनी है, चाय कॉफी चाहिए, चाय मंगवा लूँ आपके लिए? कॉफी चाहिए बस एक चाय। तो अभी हमने समझाया कि जनाब मिक्स मांगी जाए तो मिक्स दिया करें, कॉफ़ी मांगी जाए तो कॉफ़ी दिया करें, खैर अल्लाह करम करके ये तो छोटे छोटे से इशूज़ हैं। इशू मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसके नीचे भी लिंक डाल दूंगा और उसके नीचे भी इसका लिंक डाल दूंगा। वो जनाब ये थी कि सिंध के मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, सिंध में इधर की सड़कें नहीं हैं, सिंध के अंदर इसके अंदर लोगों की जो लोगों के जो मामलात हैं वो सही नहीं होते, लोगों के घरों के बाहर पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पे बड़ा पानी देखा मैंने, बारिशों को चल रही है यहाँ पे। अच्छा जी हम हैं जनाब
सिठारचा शायद, पता नहीं क्या कुछ नाम है स्टेशन का, वहाँ पे पहुँचे। अच्छा इनका था कि 5 स्टॉप करेगी कि 6 स्टॉप करेगी कराची जाने तक, यकीन कर लें इसने बहुत स्टॉप किए हैं, यकीन ये देखें अभी चल रही है। इसका मुझे नाम भी नहीं आ रहा जो स्टेशन का, वीडियो ये तो जाती है ना जनाब महकमा रेलवे, कोई है आपसे पूछने वाला। 13-19 अगस्त 2022 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त वज़ीर रेलवे साद रफीक हैं जो पता नहीं कहाँ पे हैं, क्योंकि आज तक पता चला था वो लंदन में गए हुए हैं, और वो पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। ये एक सियासी बात है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे स्पेशल वीडियो बनाई थी मैंने, कहा मज़ा आएगा, मैं ट्रैवल शेयर करूंगा अपना, मैं बताऊंगा, मैं 1:35 पर पहुंचूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये सफाई करना खुशी से भाग भाग कर सफाई करना, इसने सफाई की है बड़ी ज़बरदस्त, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, जो बुरी बात है वो बुरी बात है। टाइम मैनेज करना आपका काम है। ये भी क्यों स्टॉप किया इसने बताया मुझे, ये स्टेशन का नाम दूसरा स्टेशन है, पढ़ने की कोशिश करूँ, SETHRJA। ठीक है ये देख लो, इस पर क्यों रुकी है ट्रेन, रुकनी चाहिए थी, नहीं रुकनी चाहिए थी, बताएं मुझे क्यों रुकी है, कोई है जो आप दे, कोई नहीं बोलेगा, सिठारजा पे रुकी है लीन लाइन। ये देखिए मेरे पास टिकट है, वो भी दिखा दूंगी, मैं बता रहा हूँ 11:30 सिठारजा में सिंध के अंदर रुकी है, क्यों रुकी है, स्टेशन नहीं है तो, और ग्रीन लाइन है 19 अगस्त 2022। ये बात आपने बता दी है अभी, लॉर्ड नहीं बताएंगे ना, कोई पूछेगा ना कोई बताएगा, मेरी वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे उनकी मर्जी है। बहरहाल सफ़र जारी है, क्या बोलूँगा, बोलता रहूँगा फजूल, काम की बात आएगी तो बता दूँगा, कोई और चीज़ देखता हूँ तो बता दूँगा, अभी तक जो मैंने चीज़ें देखी बताई हैं, शिकायत भी लगा दी है, चाय की शिकायत लगाई है, मिक्सी मांगी थी इन्होंने मुझे, पत्ती वाली थी, टी बैग अलग वाली दी है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? टीसी की पता नहीं, टिकट चेक कर जाते हैं, टीसी टीटी पता नहीं इसको बोलते हैं, टिकट टेकर बोलता, मोटा पेड़ था इसको, क्या करवाओ कार्रवाई करो। ओके जी बाद में मिलते हैं, चाय पत्ती कब तक आएगी पता है, रात को इन्होंने मैसेज किया कि चाय कब आएगी, उसके बाद आई नहीं है, आधा घंटा इन्होंने चाय नहीं दी, शिकायत लगा रहा हूँ आपको, बहरहाल शिकायतें बहुत है, लगाता रहूँगा, बाद में बात करते हैं सर, साथ रहिए, देख रहे करें वीडियोस, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, अगर आप ये देख सकते हैं तो फिर बाकी भी देख सकते हैं, हो सकता है काम की बात कर रही हो मैंने गलती से। एक और शिकायत लगानी थी आपको, पहले ना जब इस तरह के डब्बे होते थे ना, ये हमारा कंपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल ये है, मेरा ये नहीं है, मेरा दी है ऐसे है, इसके साथ इसके बाहर जो जगह होती थी ना वो खुली होती थी, और ये जो सीटें हैं ना जब इस पर बंदा बैठ जाता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा ऐसे करके बैठता है तो इतनी सी जगह बनती, फिर आने जाने वाले तंग करते, पहले सीटें होती थी इस तरह की हैं, अब ये ग्रीन लाइन का डब्बा नहीं है, इसका मतलब है ग्रीन लाइन के डब्बे में जो सीटें होती हैं ना, तो उसमें बंदा आमने सामने बैठ के गपशप लगा रहे हैं, तो साथ से बंदे गुजर जाते हैं, कुछ हिसाब नहीं होता। यहाँ पर जो बंदे बैठे होते हैं, अभी मैं चाय पीने आया हूँ, नाश्ता करने आया हूँ, तो भी मैं डिस्टर्ब हुआ, मोटे पेट वाला अंकल मुझे धक्का दे के गया, आपने देखा था ना, यहाँ पे भी हजूर दो नंबरी हो रही है, हुकूमत बता नहीं रही, इसको भी ठीक करें, पहले देते हैं आप इतने सारे पैसे देते हो, आपको पता है ग्रीन लाइन को किराया सबसे ज़्यादा है,
मुझे इस जगह नहीं बन रही मिलोट, ऐसे नहीं करें ना, इसका अपना लगाए ना डब्बा, ये डब्बा आपने किसी के लगाया, लेकिन ये डब्बा बना ही गलत है मिलोट, पानी नहीं आ रहा, कितना कहिएगा मैं टूटा हूँ, मेरे है पता ही है पानी कहाँ से आ रहा है।
नहीं आ रहा। मैंने कहा ये ना हो गया मेरे में शक कर जाए, मैं बंदा अपनी रेटिंग बढ़ाने को लिया पड़ रहा होगा, मुझे ना शौक है रेटिंग बढ़ाने का। तू बढ़ गया भाई काम बात के, ये टिप 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 बढ़ गई है, लाइट भी जल रही है, पानी भी गिर रहा है। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं कहता कोई नुकसान हो जाए उस तरफ। ये है जनाब माजू सिंध, फिर सिंध जी है सिंध वाला जी है सिंध दिने कूड़ा पानी कूड़ा पानी कूड़ा किधर है और कूड़ा किधर है, ये तो गलत है। पानी कूड़ा और पानी की भरी कूड़ा पानी पानी ये सारा पानी कूड़ा का। ये है भी रेलवे का मुझे लगता है, ये जो इस तरह के बने होते हैं ना वो लोग, ये रेलवे के पाकिस्तान रेलवेज, ये पाकिस्तान रेलवेज भी डूबा हुआ है। वो देखें मिलॉट, ये देखें मिलॉट, ये सारा पानी है, पानी है, पानी 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 पानी, वो घर पानी में उनकी दीवारें कमज़ोर हो रही हैं, मिलॉट वो दीवार गिरी पड़ी है, मिलॉट वो पानी के अंदर है घर पूरा, मिलॉट वो भी पानी है। बैरापुर से हम गुजर रहे हैं मिलॉट, बैरापुर में स्टेशन के नज़दीक ये फिर करीब हुई है मिलॉट, यहाँ पे कचरा है मिलॉट। हाँ मैंने मिक्स थी, मिक्स ही है पक्की बात जी जी, हाँ ये भी मिक्स है जितनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, 5:06 और ये है मेरा प्यारा हैदराबाद रेलवे स्टेशन, 5:06 हैदराबाद। और इसने जनाब अपना तमाम तर ग्रीन लाइन रिकॉर्ड जो है आज हमें जो इसने एक्सपीरियंस दिया है, इसने अपने तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। 5:06 मतलब अभी हैदराबाद, सो सो के भी थके हैं, हंस के भी थके हैं। ये देखें हैदराबाद जंक्शन नजर आ रहा है आपको, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और ये पानी से नहाया हुआ, अभी बारिश इस वक्त नहीं हो रही लेकिन बादल है, क्या कहते हैं शेड्यूल हमने 1:35 में क्रैच होना था लेकिन इस वक्त हम अभी हैदराबाद में और 2.5 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। 2.5 घंटा का मतलब ये हुआ कि अभी 6:30 बजे तक इसको वहाँ पहुँचना चाहिए कराची इस शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन इधर 2 मिनट का मतलब स्टॉप है, यहाँ 10 मिनट का था, यहाँ पे भी काफ़ी देर हो गई खड़े और पता नहीं कब तक खड़े हैं और क्या करते हैं। ग्रीन लाइन ये 10 साल और हमारी बोगी है ये वाली, उसकी निशानी बता देता हूँ, ये ना हो क्या समझे ये टूटी हुई पानी नहीं है उसकी, ये निशानी आपको ये चेक करवाया था, ये हमारी बोगी है और हम बोगी हैं हैदराबाद। पुराने गाने लो ग्रीन लाइन दे समझ के आना ताटे तरह रहना पाकिस्तान रेलवे कुछ भी कह सकते हैं। छुट्टी बज गई है जी, अब चल रही है, पहले अपनी बोगी में लोकल में पहुँच चुके थे। ये है जनाब हैदराबाद से प्रवानगी का टाइम 5:05 आगे देखते हैं क्या होता है बताएंगे। हम ट्रेन में और यहाँ पर खाना सर्व किया
इस क्वालिटी की वजह से हमने इसको छुआ भी नहीं। भूख भी लगेगी तो नहीं खा सकते। टेस्ट नहीं किया, शायद अच्छा हो, लेकिन और यहाँ पर जो पानी दिया गया है वो जनाब है नेशन वाटर। वो मेरे ख्याल में हमारी अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री क्रिएट करती है पानी, वो वाला पानी दिया गया है यहाँ पर। जी 8:52 24 घंटे से जायद हाल हो गया बेहाल हो गया। 8:54 ये हम उतर रहे हैं जनाब। 24 आवर अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं आप। और ये कराची स्टेशन है तो आपको पता है, तो रोशनियों का शहर है और अंधेरे बड़े हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये जनाब हमारी ट्रेन है, बोगी है, बिजनेस क्लास जी, ग्रीन लाइन, जिसने पहुंचना था दिन को 1:35 पे इस जगह पर, वो पहुंची है रात को 8:54 पे। मैंने सोचा था ग्रीन लाइन की तारीफें करूंगा कल इस पे बैठने से पहले, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपनी भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। कैसा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतर सकते, तो बाकी क्या करूं, मैं क्या तारीफ करूं। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो कल मैं बैठा था, 1 घंटा लेट चली थी, उसके बाद जहां जहां पे जिस स्टेशन पे पहुंची है हर स्टेशन पे रुकी है। टोटल इसके 5 या 6 स्टेशन से, कानेवाल रुकना था इसने, भावलपुर रुकना था इसने, हाय, और इसने रुकना था उसके बाद रोहड़ी, रोहड़ी के बाद रुकना था हैदराबाद, हैदराबाद के बाद रुकना था ड्रिक स्टेशन इधर कोई है छोटा सा वहाँ पे, और यकीन करें कोई कम से कम 20 से 25 दफ़ा रुकी है ये कम से कम। तो मैं काउंट नहीं कर सका, मैंने मुझे तो जहनो गुमान में भी नहीं था कितना रुकेगी। ग्रीन लाइन की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल चेक कर सकते हैं आप। 18 अगस्त रात 8 बजे चलने वाली, 8:35 पे चलने वाली ग्रीन लाइन लेट चली, उसके बाद स्टॉप किए उसने, स्टॉप के बाद अभी पहुंची है रात को अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे, और 24 आवर्स इट्स अ बिग टाइम फॉर ग्रीन लाइन, मतलब इतना ही मेरे ख्याल में, बाकी उससे भी कम बल्कि लगाती हैं बाकी वाली, लेकिन उनको कोई के किराए भी कम होते हैं, इसका किराया भी ज़्यादा, लोगों को भी इसने डिस्टर्ब किया, लोगों के जिन के इधर लेने आए हुए थे उनका 1:30 बजे चक्कर लगा के वो चले गए, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं किया क्योंकि रास्ते में नेट भी नहीं था, मेरा अपना नेट काफ़ी अर्सा बंद रहा, काफ़ी टाइम बंद रहा, वो एक अलग चीज़ है। अब जनाब हम पहुँचे हैं कराची, लाहौर टू कराची, द ट्रैवल हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय द स्पेशल ग्रीन लाइन, दिस वन द पाकिस्तान नंबर 1 ट्रेन। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे जिसका भी कसूर है, आपने पूरी ट्रेन के लोगों को महंगे पैसे लेकर, ज़्यादा पैसे लेकर दलील भी किया, छोटे बच्चे थे सारे थे, आपने हाँ आपने खाना दिया रात को, डिनर दिया, बैठते ही आपने दिया, वो जो उसकी क्वालिटी थी वो आपने देख ली, सुबह इन्होंने नाश्ता दिया उसकी क्वालिटी भी आपने देख ली, उसके बाद इन्होंने दोपहर को खाना, क्योंकि अगर लेट होगी तो दोपहर को खाना देना चाहिए था एज़ पर रूल, क्योंकि आपने तो ट्रैवल बढ़ा दिया उसका आपने नहीं दिया, बाकी 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 वो मज़ा नहीं आया जिस मज़े को लेने के लिए मैं आया था, और जो मज़ा मैं आपको अपनी बातों से दे सकता हूँ, मेरा अपना हुलिया ख़राब कर दिया आप लोगों ने। तो अल्लाह हाफिज़, ग्रीन लाइन मेरी किस्मत ख़राब होगी, कर लीजिएगा सफ़र, हो सकता है आप इंजॉय करें, मतलब 14 घंटे से मेरा तो 24 घंटे हो गया ना, 10 घंटे का सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम लगा है, अल्लाह ताला खैर करें, बाकी अल्लाह मेरे पाकिस्तान की खुशहाली कर, तरक्की दे, परेशानियां दूर फरमाए, बाय बाय।